नमस्कार फ्रेंड्स, तो आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आज का दिन कुछ खास था, वो क्यों था वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग इन छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रही है, तो आपको पता चल ही गया होगा मैं कहाँ हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए थे इस टाइम पे भाऊ प्लाजा, और मैंने सोचा कि ना अपने पुराने फ्रेंड से मिला जाए। तो फिलहाल के लिए कशिश आ गई है। कशिश हाय, ये चहकाई है जो मेरे साथ हमेशा रहती है, और ये इसके नए दोस्त बने हैं हम सबके। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सुनैना। परी शी सुनैना। अभी हम क्या कर रहे हैं? फोटो ले रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। ये रही दीदी का फोन। मजा आ रहा है, मॉरल स्टोरी देखते हैं। बिल्कुल बिजी हैं, घुस गए हैं फ़ोन के अंदर। और आते ही ना सबसे पहले हमारे पास आए तो कहते कि दीदी हमें गाना सुनाओ। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, गाना लगाते हैं। फिर कहते नहीं, मॉरल स्टोरी सुननी है। मतलब वो जो लगी हुई थी ना, मतलब जो उनको दिख रहा था कार्टून जैसा सा, तो उन्होंने बोला यही सुनना है, यही देखना है। तो वे वही देख रहे हैं। कंसंट्रेशन देखो उनकी गाइस। और हम वेट कर रहे हैं अभी हमारी और फ्रेंड्स का, भी आ जाएंगी। और वेदर आप चेक कर सकते हो गाइस, इस टाइम पे काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है। वो प्लाजा में तो यार एवरी टाइम रश रहता ही है, जब भी आओ आप। तो गाइस हम लोग अभी बैठ के आराम से टीवी वीवी देख रहे थे बच्चों के साथ, और यहाँ पे अचानक से थोड़ी सी बात शुरू हो गई। अभी बिल्कुल थोड़ी सी है, तो नो वरीज। और मुझे लग रहा है हमारी फ्रेंड्स भी आ गई हैं। यस, आ गए वो रहे, अगर आप लोगों को दिख रहा हो। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, उससे पहले हमने थोड़ी सी फोटोज खींची। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फिर हम अभी बातें कर रहे थे अपनी पुरानी स्कूल की, LFS की। हम सब गुलीन हमारे साथ 9th तक थी, है ना? मैं 9th तक थी और 9th के बाद मैंने कर दिया। और अतिका 7th 6th। अतिका तो मेरे साथ कब से है? अतिका तो मेरे साथ फर्स्ट से है, LKG से? LKG से। हाँ, LKG से अतिका है। गुलीन तो मेरे साथ कब से है? मैंने फर्स्ट से फर्स्ट से लेके 9th तक थी गुलीन। तो मतलब लाइक हमने अपनी बचपन इकट्ठे गुजारा हुआ। और उसके बाद चहक 3rd से थी और अभी तक है। और कशिश भी मेरे ख्याल से 4th से। हाँ, कशिश और मैं भी 4th से। हाँ, इनको सबको रास्ता पता है, पर लेके तो मैं जा रही हूँ। ओह, हमारे जूनियर्स बता दो। तो पता है कैसे चेयर मिली है? वेट, मैं बताती हूँ। इन लोगों को तो नॉर्मल चेयर मिली है, टेबल मिला है, मेरे को ये चेयर मिली है। हाँ, तो मैं आराम से घूम भी सकती हूँ। Here is our pasta, white sauce वाला। और ये इनकी बातें नहीं ख़त्म हो रही हैं, और इसकी फ़ोटो नहीं ख़त्म हो रही है। मतलब जब से आए हैं, यानी मेरी सेंगल से फ़ोटो खींचना है, मैंने उस सेंगल से खींचना, और बस
ये फोन, ये बातें। तो सारे लोग स्नैपचैट के दीवाने। ऐसे निकाल देते होते बाहर कैरी ऐसे निकाल देते होते बाहर एक ही बारी में देना होता ऑर्डर। तो फिलहाल हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग बावे जाएंगे और गुरलीन के हमने बार्गेनिंग स्किल्स चेक किए। 120 में हम ई रिक्शा में वो ब्लेजर से बावे जा रहे हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं तो आपको वहीं पे मिलते हैं। ऐसे ई रिक्शा से इनका प्लान बन गया तो सारे बावे जा रहे हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड। इस टाइम पे ना रश भी शायद कम ही होगा, शायद आगे से लेते हैं। मैं दर्शन हो गए और हम लोग अब घर जा रहे हैं, है ना? अब सब yes. लोग घर कैसे जाएंगे वो देखते हैं। स्ट्रगल सब लोग इकट्ठे ही जाएंगे फिलहाल। विक्रम चौक से सब अलग हो जाएंगे। अभी टाइम हो गया 5:00 के। टाइम क्या हुआ? 5:00 बज गए। बोल रही है तो फोन मत यूज किया करो यार। 5:00 के 5:25 मेरे को तो हो गई तेरी पता नहीं लगा। अच्छा फुटपाथ बन गया तो हम लोग इजीली यहाँ से जा पा रहे हैं। यार हमने ना आप देखिए गाइस, हम लोग देखिए जम्मू के जो ई रिक्शा वाले हैं उन्होंने कितनी लूट मचाई हुई है। हम लोगों ने बहू प्लाजा से रिक्शा लिया बावे तक का, ठीक है? उसने हमसे 100 पहले 50 मांगा। हम लोगों ने कहा कि 150 ज़्यादा है तो उसने 120 में मानना, ठीक है? हमने कहा चलो ठीक है 120 क्योंकि चढ़ाई भी है तो हमने 120 में मान लिया। हम चले गए वापस आए, हम आधे रास्ते तक यूनिवर्सिटी वाले चौक तक आए मैटाडोर में। उधर से हमने किया, सोचा कि ई रिक्शा कर लेंगे, पर जब हमने ई रिक्शा वाले से पूछा कि कितने में बहू प्लाजा, ठीक है सिर्फ बहू प्लाजा तक, तो ही सेड 70, मतलब 120 में हम बावे पहुँच कर ये 70 लेगा हमारा यहाँ से। और फिर वो चला भी, इतना एटीट्यूड है बस इसमें। बहुत लूटते हैं यार ये लोग ना, बच्चे देखे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, बट यार फिर भी इनको थोड़ा रीजनेबल रेट और फिक्स रेट होना चाहिए। 3 बंदे हम 10-10 या 15-15 रुपये लेकर हो सकता था, है ना, पर पर्सन, बट क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेरे फ्रेंड्स आके चल रहे हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा रियूनियन। अभी सिर्फ 4-5 हम फ्रेंड्स मिल पाए, बट अगर आगे जाके और भी फ्रेंड्स जम्मू आते हैं तो हम ज़रूर मिलेंगे उनसे भी और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और इसके बाद घर आकर मैंने एक पार्सल ओपन किया, वो देखिए पार्सल अमेज़ॉन का मेरा भाई है, तो वो बोलते हैं कि गुगु मैंने सोई थी, तो कहते हैं गुगु मैंने कहा तो कोई पार्सल आया तेरा? मैंने कहा अच्छा, तो मुझे याद नहीं था मैंने कोई पार्सल मंगाया ही नहीं था। तो मैंने कहा कौन सा पार्सल आया है? तो कहते हैं बताने बहुत बड़ा सा है, बताने टीवी स्क्रीन लग रही है, बताने कंप्यूटर मंगवा लिया, क्या मंगवा लिया तूने? यार ऐसा तो मैंने कुछ मंगवाया नहीं है। कहते 5 किलो का है। मैं डर गई, मैंने कहा 5 किलो? 5 किलो का क्या होता है भाई? तो करनी है टीवी अंदर टीवी नहीं आगे घर में लगा हुआ। सो ये है मेरा भाई अंकल, तो आई होप अच्छा ही हो। दिस इज़ अ स्टडी टेबल जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी कि मैं वो नेट पर ही मोस्टली अपना काम कर लेती हूँ, जैसे कि आर्टिकल देखना और ये सब चीज़ें।
मुझे ये टेबल चाहिए था, ठीक है? तो कुछ इस तरह से है, ब्लैक कलर का प्रॉपर, इसमें ना रखने की कुछ आप कॉफ़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, जूस पी रहे हो, उसको रखने की भी स्पेस है, ठीक है? यहाँ पे आपको अगर आपके पास टैबलेट हो या आईपैड हो या कुछ हो रखने की, यहाँ पेन रख लो, हाथ रख लो, है ना, यहाँ पे फोन भी रख सकते हो आप, है ना, कभी कोई वीडियोज़ देख रहे हो तो। सो ये मुझे काफ़ी रीजनेबल रेट पर पड़ा है, कभी मैंने से वाले की है, तो ये इस हाइट का है, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, है ना, इसके नीचे ये लगा हुआ है रबर जैसे से, तो ये बिल्कुल कोई एज नहीं है, सबसे मेन बात, तो ये बच्चों के लिए यूज़ है, तो काफ़ी अच्छा ये बाहर उठा भी रहा है, बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा यूज़ है, अगर आपके घर पे कोई सी भी एज के लाइक 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, क्योंकि 5 साल से नीचे या 3 साल से नीचे तो कोई बैठता नहीं है ना, तो 5 साल से ऊपर के बच्चे तो अगर वो बेड पे पढ़ना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, तो आप कोई डाइनिंग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए डाइनिंग टेबल के लिए काम आएगा, है ना, या फिर अगर आपको ये नीचे भी रख सकते हो, जमीन पर आप रखोगे, इसके साथ में नीचे बैठ के भी खा सकते हैं, जमीन या बेड पर रखना है, पढ़ाई करनी है तो ये बेड पर रखकर तुम पढ़ सकते हो, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, स्टेडी सा है, कलर कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा है, पिंक था, एक वुडन में था फिनिश, और एक ये था, तो मुझे यही पसंद आया, वैसे यार ब्लैक कलर लवर, सो मुझे ये पसंद आ रहा है, काफ़ी अच्छा है, तो चलिए ये बंदर रखते हैं, घर में आप पढ़ा करेंगे, कभी कभी अच्छा लगता है ना खुद से कुछ खरीदो, तो गिफ्ट तो वैसे अच्छे लगते हैं, बट अगर खुद से भी अगर आप अपने आप को कुछ गिफ्ट करो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बस फिर आज का ये था, बाय मेरा, ये अमेज़ॉन से है।